आज का हमारा विषय है सोर्सेस ऑफ न्यूज, समाचार के स्रोत। तो समाचार जो रिपोर्टर लाता है और डेस्क को देता है, ये हम जानते हैं। समाचार कौन लाता है फील्ड से? रिपोर्टर या कॉरेस्पॉन्डेंट्स। और डेस्क पर उसकी एडिटिंग कौन करता है? सब एडिटर्स, ठीक है। रिपोर्टर्स आर कॉल्ड द आईज एंड ईयर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्टर क्या है? आंख और कान है। एंड सब एडिटर्स आर कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है, क्योंकि वही कच्चे संपादकीय सामग्री को पढ़ने योग्य, सुनने योग्य, देखने योग्य, जैसी मीडिया में है, रेडियो में है तो सुनने योग्य, टीवी में है तो देखने योग्य, अखबार में है तो पढ़ने योग्य बनाते हैं। वो अच्छी शीर्षक देंगे, अच्छी ब्लर्ब देंगे, अच्छी सब हेडलाइंस देंगे, इंट्रो को पॉलिश करेंगे, ठीक है, आलतू फालतू बात को काटेंगे, अच्छी बात को और हाईलाइट करेंगे। ये संपादक का काम जो डेस्क पर बैठता है, तो इसलिए उनको फिर वो पेज मेकअप भी करेंगे, पेज में उसको सही जगह पर प्लेसमेंट देंगे, ठीक है, सुंदर बनाएंगे, पिक्चर भी कहीं से अरेंज करेंगे, इतना काम करते हैं, इसलिए उनको मेरुदंड कहा जाता है, ठीक है। कहते कि सोल्जर्स फाइट द बैटल बट वॉर्स आर वॉन और लॉस्ट बाई जनरल्स, ठीक है। मतलब सब एडिटर, तो उसी तरह सिमिलरली सब एडिटर्स, इट इज द सब एडिटर्स एंड रिपोर्टर्स हु ब्रिंग अबाउट ए न्यूज पेपर, बट इट इज कॉल्ड एन एडिटर्स न्यूज पेपर। एडिटर का नाम छपता है, एडिटर को क्रेडिट जाता है, एडिटर साहब फलाना अरुण सूरी एडिटर हैं, तो फलाना पटगांवकर एडिटर हैं, तो वो एडिटर हैं। काम तो सब छोटे वाले करते हैं, प्यादे, जैसे हॉस्पिटल में सारे काम नर्स और ट्रेनिंग पर जो MBBS डॉक्टर्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ वर्क तो वही करते हैं। बड़ा डॉक्टर थोड़ा सा देख लेता है लास्ट में कुछ गड़बड़ हो रहा है, यही होता है ना, हर क्षेत्र में होता है। तो उसी तरह अखबार में भी होता है, एडिटर एक बार पेज देख लेता है, लेकिन सब बनाना, सवारना, सजाना, एक एक कॉमा फुल स्टॉप को चेक करना, ये सब नीचे के लोग करते हैं, तो उनको सोल्जर्स कहते हैं। कुछ गड़बड़ होता है तो उन्हीं को डांट भी पड़ती है। युद्ध में मरता कौन है? सोल्जर्स, जनरल्स तो नहीं मरता, वो तो एसी रूम में बैठा कभी कभी उठाता है टैंक को, गाइड करता है, वो ऐसे ले जाओ, वैसे ले जाओ, रॉकेट ही करो, वो तो जाता नहीं ना, कभी कार बहुत एकदम सारे चले गए तब जाता है, ठीक है। तो उसी तरह अखबार में भी एडिटर तब हाथ लगाता है जब बहुत लोग छुट्टी पर हैं, तब एडिटर को भी उतरना पड़ता है मैदान में, ठीक है। तो ये बहुत ओल्ड कोटेशन है कि सोल्जर्स फाइट द बैटल बट वार्स आर बॉर्न और लॉस्ट बाय जनरल्स। सिमिलरली इट इज द सब एडिटर्स एंड रिपोर्टर्स हु ब्रिंग अबाउट अ न्यूज़पेपर, बट इट इज कॉल्ड एन एडिटर्स न्यूज़पेपर। रिपोर्टर्स आर आईज एंड ईयर्स ऑफ द न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन एंड सब एडिटर्स आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अर्थ बता दिया। अब रिपोर्ट, सोर्सेस ऑफ न्यूज किसके लिए, पहले प्रश्न उठता है, इसके चार भाग हैं। आप रीडर हैं तो आपके सोर्सेस ऑफ न्यूज अलग होंगे, आप रीडर हैं ना तो आपके भी सोर्सेस ऑफ न्यूज हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो सोर्सेस ऑफ न्यूज फॉर रिपोर्टर्स होगा, उस सोर्सेस ऑफ न्यूज फॉर डेस्क होगा, सोर्सेस ऑफ न्यूज फॉर रीडर्स, सब के आंसर अलग अलग, ठीक है। और बड़ा क्वेश्चन होता है कई बार, तो आपसे सोर्सेस ऑफ न्यूज केवल लिखा है तो आपको इन सब का बताना होगा, रिपोर्टर के अलग सोर्सेस हैं, एक पूरे पैराग्राफ, एक दो पन्ना उस पर ही लिखना पड़ेगा। डेस्क के अलग सोर्सेस, रिपोर्टर के सोर्स अलग हैं और डेस्क के लिए रिपोर्टर खुद ही सोर्स, ठीक है। पाठक के सोर्स अलग है, आपके सोर्स क्या है, पाठक से ही पहले शुरू करते हैं, आपको न्यूज कहां से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें अखबार से प्राप्त होता है, हमें कभी कभी मैगजीन से भी प्राप्त होता है, हमें आजकल गूगल से भी लोगों को प्राप्त होता है, कई बड़े बड़े न्यूज न्यू मीडिया पर आ जाता है, पहले ही आ जाता है। आज का जनरेशन तो मोबाइल से ही न्यूज प्राप्त करता है, तत्काल अभी कोई घटना घटी इस पर आ जाएगा। तो आपके सोर्सेस ऑफ न्यूज हो गए इंटरनेट, उसी में न्यू मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया,
ठीक है, ब्लॉग्स भी आ गए, गूगल भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप एक न्यूज़ डालो तो उसके सारे फॉलोअप के सारे न्यूज़ साथ साथ आ जाते हैं ना। एक कोई इशू ढूंढो 10 वीडियो आ जाता है, वो यूट्यूब पर भी बन के न्यूज़ तैयार होके आ गया, इतना फास्ट है सिस्टम। तो आज सोर्सेस ऑफ न्यूज़ रीडर्स के लिए बदल गया, काफ़ी बदल गया। पहले ज़माने में अखबार बहुत महत्वपूर्ण सोर्स होता था, रेडियो सोर्स ऑफ न्यूज़ होता था, लोग रेडियो ज़रूर सुनते थे, शाम का प्रादेशिक समाचार, सुबह का राष्ट्रीय समाचार, हिंदी में अंग्रेजी में 8 बजे दोनों आता था। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न आ गया, फिर रेडियो भी रहा, टेलीविज़न भी रहा, फिर टेलीविज़न सोर्सेस ऑफ न्यूज़ है। घर जो बैठा है, सीनियर लोग हैं, आज भी अखबार और टेलीविज़न पकड़, गाड़ी चला रहे हैं तो AM रेडियो, FM रेडियो, उस पर भी न्यूज़ आ रहा है। तो रीडर्स के लिए तो आप बड़े कॉमन सेंस से लिख सकते हो कि सोर्सेस ऑफ न्यूज़ क्या होता है, ठीक है, यही है ना सोर्सेस ऑफ न्यूज़। सो न्यूज़पेपर में इवनिंग डेली भी है, मॉर्निंग का भी है, फिर मैगजीन्स, फिर आपके रेडियो, टेलीविज़न के अलग अलग चैनल्स हैं आजकल, प्राइवेट चैनल्स, गवर्नमेंट चैनल्स, DD, फिर इंटरनेट को और एक्सपेंड कर दो तो सारे न्यू मीडिया उसी पर हैं, सोशल मीडिया उसी पर है, उसका नाम भी लिख सकते हो आप। आजकल तो फेसबुक पर भी न्यूज़ आ जाता है, पेपर की कटिंग भी लगा देते हैं लोग, कई बार कुछ खबर ऐसी भी होती है कि पहले ही फेसबुक पर लोगों ने, ऑडियंस ने दे दिया, वहाँ पर तस्वीर खींची, लगाई और लिख दिया, और अखबार को बाद में दूसरे दिन पता चला। कई जगह के प्रेस रिलीज हैं वो पहले ही लग जाते हैं सोशल मीडिया पर और अखबार में दूसरे दिन लगते हैं, अखबार वाले कहते हैं छोड़ो रहने दो, ये ऑलरेडी छप चुका है, फेसबुक पर आ चुका है, उसको भी वो मानते हैं कि बासी हो गया, ये फेसबुक पर लग चुका है, वो नहीं छापते, प्रायः देखो वो कट कर देते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं, वो पहले ही फेसबुक पर लगा देते, बाद में लगाओ, उसी कटिंग भी लगा सकते हो, लेकिन मगर आपके सोर्स तो ये सारे हैं, बड़ा सिंपल सा है, आप आसानी से लिख सकते। अब सोर्सेस ऑफ न्यूज फॉर द डेस्क, डेस्क के सोर्सेस क्या है? तो डेस्क के सोर्सेस हैं खुद रिपोर्टर, ठीक है, रिपोर्टर से ही वो डिपेंड करता है, और एजेंसीज उसके सोर्स हैं, न्यूज रूम में सीधा एजेंसी से कवर आती है, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज लाइक AP, रॉयटर, TASS, है ना, ये सब इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, कोई लंदन का है, कोई रशिया का है, कोई फ्रांस का है, AFP फ्रांस का है, ये पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ भेजता है, ठीक है, AP एसोसिएटेड प्रेस, ये पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ भेजता है, ठीक है, और ये न्यूज़ कई बार नेशनल एजेंसी को भी भेजता है, और वो फिर अखबार को और मैगजीन्स को और दूरदर्शन को भेजते हैं। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी हो गया, नेशनल न्यूज एजेंसीज हो गया, UNI, PTI, UNI मतलब यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये न्यूज एजेंसी हैं, ये समाचारों के थोक विक्रेता हैं, ये आपको समाचार पाठक को नहीं देते, ये समाचार पत्रों को समाचार देते हैं, और वो समाचार पत्र आपको देते हैं, वो मैगजीन आपको देते हैं, ठीक है। तो UNI, PTI, उसके बाद उनका हिंदी एडिशन है यूनिवार्ता, फिर भाषा, प्रेस ट्रस्ट का हिंदी है भाषा, उसका नाम है एजेंसी का भाषा, अखबार में देखो भाषा लिखा रहेगा, ब्रैकेट यूनिवार्ता लिखा रहेगा, ठीक है। ये सारे सोर्सेस ऑफ न्यूज हैं, दिस आर नेशनल न्यूज एजेंसीज, ठीक है। पहले हिंद समाचार और समाचार भारती भी न्यूज एजेंसीज होता था, NI भी न्यूज एजेंसी अभी भी है, ये दोनों बंद हो गए इमरजेंसी पीरियड में, हिंद समाचार और समाचार भारती, ये आपातकाल लगा था भारत में 75 से 77 तक, उस समय ये बंद हो गए थे दोनों एजेंसी, सरकार का इतना अतिक्रमण और दबाव था मीडिया पर कि कई लोग मर गए, मरना ही कहते हैं ना, समाप्त हो गए, विलुप्त हो गए,
टिक नहीं सके सरकारी दबाव के आगे, सरकार का विरोध भी करते थे तो और मार दिए गए। ठीक है, तो बड़ा बहुत चर्चा होती है कि आपातकाल के दरमियान कौन सा समाचार समिति विलुप्त हो गया। तो आपको ये जीके का भी क्वेश्चन है और ऐसे भी जानना चाहिए। हिंद समाचार और समाचार भारती ये बड़े मशहूर न्यूज एजेंसी होते थे, समाप्त हो गए। खैर, डेस्क को और कौन खबर देता है? ये तो एजेंसी देता है। अगर रिपोर्टर सारे स्ट्राइक पर चले जाए तो भी डेस्क अपना अखबार निकाल लेगा। कैसे निकाल लेगा? एजेंसी की खबर। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टर से भी उसको खबर प्राप्त होता है। रिपोर्टर्स तो मेन उसका पेड सोर्स है, वैसे तो एजेंसी भी पेड सोर्स है, लेकिन रिपोर्टर्स तो एकदम सबसे रिलायबल सोर्स होता है अखबार का, अपना रिपोर्टर है ना। अपने रिपोर्टर को डिक्टेट भी करता है कि भाई ये लाओ वो लाओ, ये नहीं देते हो वो नहीं देते हो, दूसरे को उतना डिक्टेट नहीं कर सकता, उस पर पूरा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है न्यूज एडिटर का, चीफ रिपोर्टर का, चीफ ऑफ द ब्यूरो का। ठीक है, तो वो खबर लाता है न्यूज सॉरी रिपोर्टर, रिपोर्टर्स के संवाददाता, एक हिंदी में इसको रिपोर्टर कहते हैं, और कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी होता है उसको संवाददाता कहते हैं, वो संवाद देता है, कॉरेस्पॉन्डेंट्स। तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होता है? जो दूर से कॉरेस्पॉन्ड करता है उसको रिपोर्टर और कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों फील्ड मैन है, लेकिन रिपोर्टर अपनी न्यूज लेकर डेली दफ्तर में पहुंचता है, उसकी शाम की ड्यूटी होती है, वो दिन भर घूमेगा फील्ड में और शाम को, हर अखबार की अलग है, कोई 7 बजे कोई 8 बजे कहता है आ जाइए, सब आते हैं, बैठते हैं रिपोर्टर्स कक्ष में, आपस में डिस्कस भी करते हैं, चाय कॉफ़ी भी पीते हैं, मीटिंग भी करते हैं। ये एक परंपरा रही है कि रिपोर्टर्स ऑफिस में आते हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट दूसरे शहर में, मान लो हिसार से अखबार निकल रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंट सिरसा में है, जींद में है, महेंद्रगढ़ में है, तो वो रोज़ रोज़ थोड़ा आएगा, तो दूर से ही, पहले फैक्स करते थे, टेलीग्राम करते थे, अब मेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है, तो वो सोर्सेस ऑफ न्यूज़ हैं डेस्क के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड रिपोर्टर्स। अब आजकल एक नई परंपरा बन गई कि रिपोर्टर्स भी कई बार नहीं पहुंचता दफ्तर, वो लैपटॉप से ही भेज देता है, व्हाट्सएप से ही। ये गलत परंपरा है, जो एकदम रेगुलर रिपोर्टर हैं, लोकल हैं, दे शुड विजिट द प्रेस। रिपोर्टर्स कई बार आजकल स्पॉट पर भी नहीं जाते, वहीं से प्रेस रिलीज मंगवा लेते हैं, इससे खबर जो है टूट जाती है, खराब हो जाती है। ये गलत परंपरा है, इट इज़ एन अनहेल्दी ट्रेंड। द रिपोर्टर शुड विजिट द स्पॉट एंड दे शुड विजिट देयर ऑफिस, दे शुड इंटरैक्ट विद देयर चीफ, दे शुड इंटरैक्ट विद देयर अदर कलीग्स, अदर रिपोर्टिंग कलीग्स, एंड देन दे शुड ऑल्सो हैव सम मीटिंग्स, इनफॉर्मल और फॉर्मल, देन देयर कैन बी हेल्दी न्यूज, हेल्दी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो सब थोड़ा थोड़ा कोरोना काल में भी ख़त्म हुआ, सारे आपके जैसे शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन होने लगी, वैसे ही रिपोर्टिंग जर्नलिज्म में भी काफ़ी ऑनलाइन जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती थी वो भी ये हो। डेस्क के और भी सोर्स होते हैं, जैसे कभी रिपोर्टर्स की कमी हो गई, एजेंसी से भी न्यूज़ नहीं आ रही है, कोई टेक्निकल इशू हो गया, तो डेस्क चाहे तो रेडियो से, टेलीविज़न से, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से भी, टेलीफोनिकली भी न्यूज़ मंगवा सकता है, प्रेस रिलीज को पुशअप भी कर सकता है, कई जगह उसके खुद के भी संपर्क होते हैं, तो वो कहीं से भी अलग अलग स्रोत से अपने आप रिपोर्टर का काम घर बैठे कर लेता है। लेकिन ऐसा सामान्यतः किसी बड़े अखबार को ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत छोटे अखबार जहाँ कोई रिपोर्टर ही नहीं है, एक ही रिपोर्टर है, वही बीमार पड़ गया, तो ऐसी परिस्थिति में दूसरे चीज़ का भी सहारा लेकर के दूसरे मीडिया से मीडिया न्यूज़ निकाल लेते हैं और बहुत से न्यूज़ को वो पा करके एक अपना बना लेती है। ठीक है, तो ये सारे डेस्क के सोर्सेस हैं। अब रिपोर्टर्स जो सबसे मेन आदमी है न्यूज़ लाने का, उसके क्या सोर्सेस? ज़्यादातर यही आपसे उम्मीद किया जाता है और पूछा जाता है, सोर्सेस ऑफ न्यूज़ फॉर रिपोर्टर्स। हम तो चारों तीनों बता रहे हैं आपको,
ठीक है, लेकिन रिपोर्टर्स के सोर्सेस क्या, ये सबसे मूल बात, क्योंकि वही आपका सबसे मुख्य व्यक्ति है जो रिपोर्ट लाता है और उसकी रिपोर्ट को ऑथेंटिक रिलायबल माना जाता है। अखबार अपने रिपोर्टर की न्यूज़ को चेक क्रॉस चेक नहीं करता, दूसरे जगह से कोई प्रेस रिलीज है तो गलती गलत भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है। अपना रिपोर्टर अपना स्टाफ है, कोई फ्रीलांसर और स्ट्रेंजर की न्यूज है तो चेक क्रॉस चेक भी करेगा, लेकिन अपने रिपोर्टर की न्यूज को प्रायः बहुत कम उस पर डाउट किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टर के सोर्सेस क्या है, देखिए रिपोर्टर के और डेस्क के कुछ सोर्स कॉमन भी होते हैं, जैसे एजेंसीज मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज एंड नेशनल न्यूज एजेंसीज, ये दोनों डेस्क के भी सोर्सेस कहे जाते हैं और रिपोर्टर्स के भी सोर्स, क्योंकि न्यूज एजेंसी से खबर आएगी अगर वो रिपोर्टर के बीट की है तो उसको पहले रिपोर्टर ले लेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो खबर UNI से आई और हो सकता है कि वही खबर रिपोर्टर ने भी कवर की हो, तो उस रिपोर्टर को पहले वो न्यूज़ मिलेगा क्योंकि उसका बीट है। मान लो वो स्पोर्ट्स बीट को कवर करता है कोई रिपोर्टर और एजेंसी से खबर आई UNI से और PTI से उसी स्पोर्ट्स के बारे में आई, तो वो अखबार उसको पहले अपने रिपोर्टिंग कक्ष को दे देगा, रिपोर्टर को दे देगा, और रिपोर्टर ने खुद भी लाई तो सब मिला के रिपोर्टर देखेगा कि वो कैसे जाए। ठीक है, वो तीनों को भी दे देगा, हो सकता है वो कॉपी डेस्क पर भी हो, कोई रिपोर्टर चाहे कि हम UNI की छिपा दे, ऐसा नहीं है, उसको सारा ही, कई बार डेस्क उसको तीनों को मिला के अच्छी स्टोरी बना लेता है, कई बार रिपोर्टर भी उसको तैयार करके दे देता है, कई बार रिपोर्टर दे देता है कि अपनी स्टोरी दे देता है और बता देता है कि UNI PTI ऑल्सो रिपोर्ट्स। ठीक है, तो वो सब मिला जुला के, कहने का मतलब है कि जो एजेंसीज है वो रिपोर्टर के लिए भी सोर्सेस है, उसको कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ न्यूज कहते हैं, पारंपरिक स्रोत, चाहे डेस्क के लिए हो चाहे रिपोर्टर्स के लिए हो। कन्वेंशनल सोर्सेस में सबसे पहले फॉरेन एजेंसीज आ गया, सबका नाम बता चुका हूँ, दूसरे नंबर पर नेशनल न्यूज एजेंसीज आ गया, ये सब कन्वेंशनल सोर्सेस, इसकी न्यूज़ को चेक क्रॉस चेक एंड मल्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके आप इसके सब्सक्राइबर हैं और ये सब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी पत्रकारिता के सादे सिद्धांतों से अवगत, इसके पास प्रोफेशनल रिपोर्टर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं एजेंसीज के पास, UNI में से बड़े पत्रकारिता पढ़े और अनुभवी लोग होते हैं, रिपोर्टर्स भी खुद अपना अनुभवी होता है, तो ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज की न्यूज़ को हमें चेक क्रॉस चेक मल्टी चेक नहीं करना होता। ठीक है, उसके बाद कन्वेंशनल सोर्सेज और भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, PIB कहते हैं, बड़ा फेमस है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है, स्कीम्स है, प्लान्स है, उसको मीडिया को भेजता है, मीडिया का मतलब केवल न्यूज़पेपर नहीं, सभी को, ऑल मीडिया, और अपने साइट्स पर भी लगाता है, न्यू मीडिया कह लो जो कह लो, सबको भेजता है, मेल भी करता है, फॉलो अप भी करता है, हार्ड कॉपी भी भेज सकता है, हालांकि हार्ड कॉपी का जमाना अब समाप्त हो रहा है, कागज भी बचते हैं, लेकिन उसको फ़ोन करेगा, फॉलो अप करेगा, कम्युनिकेट करेगा, परशु करेगा कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है और उसको छपवाना विथ गुड कवरेज, इट इज़ द जॉब ऑफ द PIB। ठीक है, फिर PIB के बाद दूसरे जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके भी अपने PROs होते हैं, लेकिन मेन मुख्य रूप से PIB होता है, वही भेजता है, परंतु कोई छोटे मोटे इवेंट्स हैं तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के डिपार्टमेंट्स के भी अपने PRO होते हैं, वो भी उसको छोटे मोटे अपने अंदर के सेमिनार, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई छोटे मोटे, तो उसको भेजता है। फिर स्टेट में आओ तो स्टेट पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट होता है जिसका डायरेक्टर होता है। ठीक है, स्टेट जैसे हरियाणा में आपका
डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस, ये ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है ना, कोई सीनियर आईएएस जो एडमिनिस्टर करता है, वो मीडिया से जुड़ा नहीं भी होता है फिर भी डायरेक्टर होता है, वो सारा देखता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा, सारे समय से जा रहे कि नहीं जा रहे, मॉनिटर करता है, एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। उसके बाद उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर भी होता है पीएस में, स्टेट गवर्नमेंट में, चंडीगढ़ में होता है ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर, ठीक है, ये सब होता है। वही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के, कई हमारे स्टूडेंट्स आप जैसे डीपीआरओ हैं, एपीआरओ हैं, कई लगे, एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका, कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू होता है, और मास कम्युनिकेशन जो किए होते हैं उनको बड़ी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगती है, बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इट्स ए गुड गवर्नमेंट जॉब किसी को करना है तो वो एपीआरओ की परीक्षा दे, एपीआरओ से डीपीआरओ बन जाते हैं, फिर डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसमें और भी नीचे फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर होता है, ये सब के द्वारा खबर डेस्क पर पहुंचती है, या रिपोर्टर को, पहले रिपोर्टर को ही मिल जाएगा क्योंकि वो उसको एलोकेट किया हुआ है वो बीट, पहले रिपोर्टर को ही मिलता है, रिपोर्टर नहीं है तो वेट नहीं होगा, अखबार के पास टाइम नहीं होता, डेस्क पर भी चला जाएगा, तुरंत चला जाएगा, जो भी वहाँ पर रिपोर्टोरियल इंचार्ज है वो तुरंत भेज देगा, अगर उसका बीट नहीं है तो सीधा डेस्क पर चला जाएगा। तो यह एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन रिपोर्टर को इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो कवर कर रहा है, तो वो भी देखे कि स्टेट गवर्नमेंट से क्या आया है, उसने क्या लाया है, क्या डिफरेंस है, इसलिए पहले रिपोर्टर देखता है। लेकिन कभी कभी रिपोर्टर फील्ड से आया ही नहीं तो कोई न्यूज़ का बहुत इंतज़ार नहीं किया जाता, इट्स नॉट ए स्ट्रॉन्ग प्रॉपर चैनल लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट विल नॉट वेट, इट विल गो टू द डेस्क न्यूज़ रूम, द चीफ सब एडिटर देखेगा उसको कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है, वो देखेगा, ज़रूरत पड़ेगा तो रिपोर्टर से बात भी करेगा, नहीं तो जैसे उसको अच्छा लगेगा करेगा, न्यूज़ एडिटर से डिस्कस करेगा, और क्योंकि डेडलाइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट में, तो फाइल कैन बैक 5 days, 6 days, 10 days, बट देयर यू कांट वेट फॉर इवन 24 आवर, ठीक है, शाम तक अखबार बनना है, मैगजीन है तो थोड़ा वेट भी करता है, न्यूज़पेपर तो वेट नहीं करेगा, न्यूज़ एजेंसी भी वेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारे कन्वेंशनल सोर्सेस हो गए, ठीक है, कितना हुआ। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, कोई विचार है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।